ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है, एक ऊपर आर्म होगा, बहुत मोटी तार जाएगी, ठीक है। ये रेलवे ट्रैक कितना है, 100 मीटर लंबा रेलवे ट्रैक है, और पूरा रेलवे ट्रैक ब्रिज पर लटका हुआ है, ठीक है। और ये पूरा जो ब्रिज है ये तारों से टिका हुआ है, एक ऊपर सस्पेंशन ब्रिज जा रहा है, उससे तारे जुड़ी हुई है। आपने ऐसा ब्रिज देखा होगा, हावड़ा ब्रिज टाइप का, ऐसे कभी जाता है। तो ये कह रहा है कि जो सबसे लंबी जो तार है इस रोड को सपोर्ट देने के लिए, सबसे लंबी तार जो लगी है वो है 18 मीटर, 18 मीटर, यानी ये सपोर्टिंग वाली, यहाँ तक रोड को सपोर्ट देने के लिए सबसे बड़ी जो तार लगी है वो 18 मीटर की लगी है, ठीक है। जो सबसे लास्ट में लगी होगी वो एक तो खंभा होगा, उसके बिल्कुल बगल में होगी, ठीक है। ये ध्यान तो खंभा होगा, एक सबसे बगल में जो होगी वो होगी 18 मीटर की तार, समझ में आ रहा है। और उसमें मतलब सबसे छोटी जो लगी, अब जैसे जैसे क्योंकि ब्रिज ऐसे से आएगा तो तार की लेंथ घटती जाएगी, सबसे छोटी जो लगी होगी वो कहाँ लगी होगी, सेंटर, जो बिल्कुल इस तारा को लगा सेंटर होगा। सपोज यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई 6 मीटर, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब ये कह रहा है कि द लॉन्गेस्ट वायर बींग 30 मीटर एंड द शॉर्टेस्ट बींग 6 मीटर फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल। मिडिल से 18 मीटर दूर जाने पे, यहां से 18 मीटर ऐसे जाओ, यहां पहुंच गए मान लो, तो उस वक्त जो वायर लगी होगी भैया, सबसे बड़ी वायर तो 30 मीटर की लगी है, 30 मीटर दे यहाँ पे बुक में 30 18 मीटर, ठीक है ठीक है, वही तो, ओके ओके। सबसे बड़ी वायर 30 मीटर है, और वो ये कह रहा है कि अगर सेंटर से 18 मीटर इधर जाए तो जो वायर लगी होगी उसकी हाइट कितनी होगी, ये पता लगाना है, ठीक है। अच्छा तो पैराबोला का एक्सिस बताओ भी कहाँ है, पहले तो पैराबोला की इक्वेशन मान लेते, कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड। लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच रिप्रेजेंट ब्रिज, जो ब्रिज को रिप्रेजेंट करेगा उसकी इक्वेशन मानेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इक्वेशन ऑफ अपवर्ड कर्व। अच्छा तो वर्टेक्स, वर्टेक्स वहां पे होता है जहां से कर्व घूरता है, एक्स है ना, वर्टेक्स मतलब कर्व होगा, तो वो यहाँ पे लाइन कर रहा है। सपोज यहाँ पे अगर मैं एक लाइन खींच दूं तो यहां पे ये वर्ट कर रहा है, क्या वर्टेक्स, वर्टेक्स नॉर्मली हम 0-0 मानते हैं ऑरिजिन। अच्छा अब वो ये कह रहा है कि सेंटर से 18 मीटर इधर जाने पे तार की हाइट क्या होगी, तो तार की हाइट अगर मैं मान लू सेंटर से इधर जाने पे तार की हाइट सपोज y1 है, x की वैल्यू तो 18 है, y1 है, तो कोई मुझे बता रहे कोऑर्डिनेट क्या होगा, सोच के बोलना। वर्टेक्स 0-0 है, 18y1 - 6 होगा, मैंने बोला ना सबसे छोटी तार 6 मीटर की लगी, तो वर्टेक्स पैराबोला यहाँ पे थोड़ी ना बैंड हो रहा है, पैराबोला वर्टेक्स ही है, पैराबोला ऐसे करके बन रहा है, और सबसे छोटी तार 6 मीटर की लगी, तो 6 मीटर छोड़ के वर्टेक्स स्टार्ट हो रहा है। तो अगर इसको मैं एक्स एक्सिस मानूं और इसको वाई एक्सिस मानूं तो कह रहा है 18 मीटर दूर कितनी तार लगी होगी, तो तार की लंबाई तो मैं y1 मान रहा हूं, पर तार की लंबाई से कोऑर्डिनेट थोड़ी ना बनेगा, कोऑर्डिनेट तो यहां से यहां तक कितने गए और यहां से ऊपर कितने गए, नहीं समझ रहा। हमने ये माना कि सेंटर से 18 मीटर राइट या लेफ्ट में जा करके जो तार लगी होगी उसकी लेंथ होगी y1 मीटर, या एच मान लो, y1 से कंफ्यूज, एच मान लो, कितनी मान ली हमने, एच मान ली। अब पूरी तार की लेंथ एच मानी है,
और यहाँ पे कोऑर्डिनेट भरने के लिए आपको ये पता लगाना है कि यहाँ से यहाँ कितने आए और यहाँ से ऊपर कितने आए। तो यहाँ से ऊपर कितने आए, टोटल तो एच माना है, और यहाँ से नीचे कितना है, सिक्स मीटर है। ये सिक्स है, हमने एक पैनल खींची, ये सिक्स है तो ये भी सिक्स होगा। तो इतना पोर्शन होगा एच माइनस सिक्स। तो कोऑर्डिनेट में आप एच नहीं भरेंगे, एच माइनस सिक्स भरेंगे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 18 कॉमा एच माइनस सिक्स। अच्छा, और इक्वेशन निकालने के पहले ए चाहिए होगा पूरा। तो ए निकालने के लिए कोई ऐसा पॉइंट बताओ जो जिसमें दोनों वैल्यूज बताओ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, इस पॉइंट के 100 कोमा 30 नहीं 50 कोमा 30 बात कर 50 कोमा 30 माइनस 6 24। तो यहाँ ये पूरा 100 मीटर का रेलवे ब्रिज है, तो यहाँ से यहाँ 50 होगा। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट बताने के लिए x तो 50 हो गया, पर y 30 नहीं है, 30 तो टोटल हाइट है और हमारा एक्सेस बन रहा है यहाँ पे, एक्सेस यहाँ पर है और ये टोटल लेंथ 30 है। तो 30 में 6 नीचे काटाओ तो कितना आएगा, समझ में आ रहा है? इधर तो कैमरे में आ रहा है, 50.24 नहीं आ रहा। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। अब हम लिखेंगे सिंस पैराबोला पासेस थ्रू 50.24 तो सेटिस्फाई करो, बोलो 50 का स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू 24। तो ए की वैल्यू होगी 50 × 50 डिवाइडेड बाई 4 × 24। तो 4 से काट लो, फिर रहने दो, ऐसे रहने दो, बांध दे। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बन गई, x² = 4a 50 × 50 4 × 24 y, ये आ गया। ठीक है, 50 × 50 × y 24 जाते हैं। ठीक है, अब उसने पूछा कि सेंटर से 18 मीटर दूर जो सस्पेंशन वायर लगी होगी उसकी हाइट या लेंथ कितनी होगी। उसकी हाइट हमने मानी है h, और हाइट एच है तो यहाँ से यहाँ तक होगा एच माइनस सिक्स। तो हम बोले पैराबोला ऑल्सो पासेस थ्रू 18 पैराबोला ऑल्सो, ऐसे क्वेश्चन में पहले होगा एग्जाम्पल में ना, पासेस थ्रू 18 × h − 6। चलिए एक्स की जगह 18 रखेंगे, 24 × 18 50 × 50 × h − 6। तो h माइनस सिक्स की वैल्यू होगी 24 × 18 × 18 डिवाइड बाई 50 × 50 टू से काटो पहले, तो ये हो जाएगा 6। ठीक, अब तो काटेगा नहीं। तो h h = 6 × 18 जा कितना होता 324 625 + 6, ये आएगा ना, 6 को कॉमन ले लो, 324 / 625 + 1 बचेगा, और 1 का मतलब एलसीएम ले लिया हमने, ये कितना आ गया 949। ठीक है, अब ये किसी से कट तो रहा नहीं, कट रहा किसी से 25, ये तो 5 से ही कट सकता है, किसी से कटेगा नहीं, वो 5 से कटेगा नहीं, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 6 × 9 = 54 5 6 × 24 = 5 6 × 9 = 29 6 × 9 = 54 और 2 56
5694/625 एक मल्टीप्लाई चेक कर लेना, डिवाइड करता हूँ। फाइव सिक्स नाइन फोर डिवाइडेड बाई 625 9.11 आंसर आ रहा है। आंसर देखो, आंसर क्या आती थी? 9.11 मीटर आ रहा है सर। आंसर तो सही है 9.11। ठीक है, आंसर से नोट कर। समझ में आ गया? बंद कर जाए।